गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. टुडे इन 12th क्लास केमिस्ट्री वी आर डिस्कसिंग यूनिट हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स. इन हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स वी आर डिस्कसिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स. इन फिजिकल प्रॉपर्टीज we already discussing what is melting point and boiling point. The melting and boiling point of any haloalkanes increase with increase in number of carbon atoms or increase in number of chain, because there is more intermolecular forces and more van der Waals forces of attraction. Next physical properties is density. डेंसिटी आपकी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम. सो डेंसिटी व्हेन मास इंक्रीज, इट मींस व्हेन नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स इंक्रीजेज और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीजेज इन ए चेन, देन डेंसिटी आल्सो इंक्रीजेज. इन ए सपोज C3H7Cl, C3H7Br, C3H7I, तो हेयर डेंसिटी इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बिकॉज व्हेन मास ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीजेज देन डेंसिटी आल्सो इंक्रीजेज. ओके, नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग द अबाउट सोल्युबिलिटी. सोल्युबिलिटी तो सोल्युबिलिटी में अगर हम बात करते हैं हेलो एल्केन्स की, तो हेलो एल्केन्स आर स्लाइटली सोल्युबल इन वाटर. आपकी जो हेलो एल्केन्स होती हैं वाटर के अंदर, जो आपकी हेलो एल्केन्स होती हैं वाटर के अंदर क्या होती हैं? स्लाइटली सोल्युबल इन वाटर. व्हाई? बिकॉज देयर इज मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स. वाटर वाटर के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसमें भी आपको बॉन्ड मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, एंड आल्सो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड बिटवीन एल्केन्स मॉलिक्यूल्स, हेलो एल्केन्स मॉलिक्यूल. सो हेलो एल्केन्स आर स्लाइटली सोल्युबल इन वाटर, बिकॉज मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स एंड हैलोजन हैलोजन मॉलिक्यूल्स. सो हेलो एल्केन्स आर स्लाइटली सोल्युबल इन वाटर, बट सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट लाइक बेंजीन. लेकिन आपके जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर हेलो एल्केन्स क्या होते हैं? ज़्यादा सोल्युबल होते हैं, बिकॉज हेयर लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड. नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स. Reactions of haloalkanes. Reactions of haloalkanes के अंदर सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. It means when nucleophile substitute the halogen atom
देन इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक. तो फर्स्ट वी नो व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल. तो न्यूक्लियोफाइल्स आर एट नेम्स इंडिकेट न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियो का मीन्स होता है न्यूक्लियस और फाइल मीन लविंग. इट मीन्स न्यूक्लियस लविंग. और न्यूक्लियस लविंग कौन से होंगे? न्यूक्लियस के ऊपर ओवरऑल चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव. तो इट मीन्स न्यूक्लियस लविंग कैसे होंगे? नेगेटिव चार्ज. या सिंपली यू लर्न न्यूक्लियोफाइल में भी एन आता है और नेगेटिव में भी एन आता है. इट मीन्स जो जितने भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज ये सारे आपके क्या हैं? न्यूक्लियोफाइल हैं. तो न्यूक्लियोफाइल के द्वारा जो सब्स्टिट्यूशन होगा तब वो क्या कहलाएगी? न्यूक्लियोफिलिक. सब्स्टिट्यूशन का मतलब है उसको रिप्लेस करना, तो वो क्या कहलाएगी आपकी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो टाइप की होती है. एक होती है आपकी SN1 और एक होती है आपकी SN2. SN1 का मतलब होता है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. एंड SN2 मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मोलिकुलर रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मोलिकुलर रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो रहा है. यूनिमोलिकुलर मीन्स हेयर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन वन मोलिक्यूल, सो इट इज कॉल्ड यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मोलिकुलर मीन्स हेयर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन टू मोलिक्यूल, सो इट इज बाई मोलिकुलर. फर्स्ट वी डिस्कशन SN2. वाट इज SN2? SN2 मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मोलिकुलर. सपोज दिस इज ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका अटैक कर रहा है किसी हेलोएल्केन पर. सिंपली आपकी मिथाइल ब्रोमोमीथेन है, इसके ऊपर ये आपका न्यूक्लियोफाइल है नेगेटिव चार्ज ओएच नेगेटिव. इसमें क्या होगा इंटरमीडिएट स्टेप में, इधर से तो क्या होगा आपका ये ओएच बॉन्ड धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो जाता है, और इधर से क्या होगा धीरे धीरे BR बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाता है. और इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पहले से क्या हो जाएगी उल्टी, यहाँ ऐसे ये हाइड्रोजन ऐसे और ये ऐसे, पहले ये ऐसे थे ऐसे और ऐसे थे, अब ये ऐसे ऐसे. ये आपका है इंटरमीडिएट और ये आपके क्या हैं रिएक्टेंट हैं. और प्रोडक्ट में आपका क्या होगा? प्रोडक्ट में इधर आपका ये प्रोडक्ट बनेगा आपका H और ये इधर Br और सॉरी Br आपका एज ए दूर हो जाएगा प्लस Br नेगेटिव और इधर ही आपका OH जुड़ जाएगा. तो दिस इज द इंटरमीडिएट स्टेप एंड हेयर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन टू मोलिक्यूल. हेयर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन टू मोलिक्यूल, सो इट इज बाई मोलिकुलर. एंड सब्स्टिट्यूशन बाई न्यूक्लियोफाइल, सो इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
and rate of reaction depend upon two molecules, so it is nucleophilic substitution bimolecular. This reaction occurs generally one step. This is an intermediate complex. Here rate of reaction depend upon two molecules, so it is bimolecular reaction. Here inversion of configuration takes place. Here inversion of configuration. Inversion of configuration takes place. Now you can see. जो आपके हाइड्रोजन देखो यहाँ से OH आपका बैक साइड में लगा है तो Br यहाँ से न्यूक्लियोफाइल के रूप में जैसे नेगेटिवली चार्ज यहाँ से हटा है तो जो कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टिंग में ये थी अब ये वाली कॉन्फ़िगरेशन और ये वाली जस्ट क्या है एक दूसरे के अपोजिट है तो मतलब इसमें क्या हो गया इन्वर्जन मतलब बिल्कुल उल्टा हो गया तो इसलिए SN2 में क्या होता है आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस तो न्यूक्लियोफाइल भी और SN2 सबसे ज़्यादा किस में होगी SN2 सबसे ज्यादा आपकी होगी प्राइमरी हैलाइड में फिर आपकी सेकेंडरी हैलाइड में और फिर टर्शियरी हैलाइड में सबसे ज्यादा आपकी SN2 रिएक्शंस किस में होगी प्राइमरी हैलाइड में क्यों क्योंकि यहां सबसे कम स्टीरिक हिंड्रेंस है टू अटैक द न्यूक्लियोफाइल सो SN2 रिएक्शंस आर वेरी फास्ट इन प्राइमरी एलाइड देन सेकेंडरी एलाइड फिर देन टर्शियरी एलाइड बिकॉज हेयर इज वेरी लेस स्टीरिक इंटेंस क्योंकि हाइड्रोजन का साइज छोटा है और हाइड्रोजन की जगह सपोज यहाँ सेकेंडरी एलाइड होगी तो कार्बन दो कार्बन से जुड़ा होगा जैसे आगे अभी एक कार्बन से जुड़ा है प्राइमरी में सेकेंडरी में दो से जुड़ेगा टर्शियरी में तीन से जुड़ेगा तो जितनी जितनी ज़्यादा स्टीरिक इंटरेंस होती जाएगी उतनी रुकावट पैदा होगी उतना ही न्यूक्लियोफाइल अटैक कम करेगा तो इसलिए SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट प्राइमरी में फिर सेकेंडरी फिर टर्शियरी में एंड इन दिस कॉन्फ़िगरेशन इज रिवर्स टू द प्राइमरी सो इन दिस इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस नेक्स्ट इज SN1 मैकेनिज्म SN1 SN1 means nucleophilic substitution unimolecular reaction nucleophilic substitution unimolecular reaction it means rate of reaction depends on a single molecule You can see, suppose this is a tertiary halide. Step first, slow है इसके अंदर आपका ये क्या बनता है कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन बनता है प्लस Br नेगेटिव सेकेंड स्टेप में क्या है ये जो आपका कार्बोकटायन है इसके ऊपर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और फिर फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बनता है ये CH3 की 3COH ये आपका स्टेप क्या है सेकेंड है और ये आपका स्टेप कैसा है फास्ट है कैसा है फास्ट है तो SN1 जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो आपकी होती है दो स्टेप में किस में होती है दो स्टेप में होती है स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड में जो स्टेप फर्स्ट होता है ये कैसा होता है आपका स्लो स्टेप होता है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन स्लो स्टेप जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है हमेशा वो स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है तो यहाँ स्लो स्टेप में एक रिएक्टेंट है तो इसलिए ये क्या कहलाएगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर इन दिस रिएक्शन फर्स्टली कार्बोकटाइन इज फॉर्म्ड कार्बोकटाइन मीन्स कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बोकटाइन
तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से ये बी आर एज ए निकल जाएगा नेगेटिव चार्ज के रूप में, और इस कार्बन के ऊपर क्या जाएगा पॉजिटिव चार्ज बाय हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। हेट्रोलाइटिक मीन्स वन कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर कैरीज नेगेटिव चार्ज। इन सेकेंड स्टेप न्यूक्लियोफाइल अटैक्स टू दी कार्बोकैटायन एंड दिस इज फॉर्म। तो इन दिस कॉन्फिगरेशन इज एज इट इज बिकॉज बी आर इज इन दिस साइड एंड ओ एच इज इन उन सेम साइड। तो हेयर कॉन्फिगरेशन एट इज एज इट इज, सो रिटेंशन ऑफ रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन टेक्स प्लेस इन SN1 मैकेनिज्म। जो आपका SN1 मैकेनिज्म है उसके अंदर क्या होगा आपका रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन टेक्स प्लेस बिकॉज कॉन्फिगरेशन इज सेम एज इट इज। हेयर द टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल बिकॉज हेयर मिथाइल ग्रुप एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन रेजिंग ग्रुप मिथाइल ग्रुप एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप सो इट स्टेबलाइज द कार्बन एटम कैरिंग पॉजिटिव चार्ज। सो SN1 रिएक्शन फास्ट इन सबसे फास्ट SN1 रिएक्शन किस में होगी टर्शियरी हैलाइड में होगी, फिर उसके बाद सेकेंडरी हैलाइड में होगी और फिर आपकी प्राइमरी हैलाइड में होगी। जो आपकी SN1 रिएक्शन है वो सबसे फास्ट किस में होगी टर्शियरी में, क्योंकि टर्शियरी में जो टर्शियरी कार्बन एटम है ये जो तीन मिथाइल ग्रुप है डोनेटिंग से क्या हो जाता है स्टेबलाइज हो जाता है। स्टेबलाइज होने की वजह से जो टर्शियरी कार्बोकैटायन है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो यहाँ पर आसानी से आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो इस वजह से आपकी SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट किस में होगी टर्शियरी हैलाइड में, फिर सेकेंडरी में और फिर प्राइमरी में। और SN1 में जस्ट इसका उल्टा है, वहाँ प्राइमरी हैलाइड फिर सेकेंडरी हैलाइड और फिर टर्शियरी हैलाइड, ये बात है आपकी SN2 के केस में। तो आप इनमें से एक का याद रख सकते हो SN1 या SN2 में किस में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। सपोज आपका इसमें SN1 का याद हो गया तो SN2 का जस्ट इसका अपोजिट होगा। SN1 में आपका रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन तो SN2 में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। हेयर SN1 में जो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट टर्शियरी में तो SN2 में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट किस में होगा प्राइमरी में। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग एलिमिनेशन रिएक्शन। जो रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स हैं उसके अंदर हमने अभी डिस्कशन किया आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मींस न्यूक्लियोफाइल के द्वारा आपका जो रिएक्टेंट था वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन कौन से आपके हैलोजन वो हैलाइड शो करते हैं जिनके अंदर आपका बीटा हाइड्रोजन एटम हो। जैसे सपोज ये है आपका इधर ये हैलोजन एटम, इधर ये हाइड्रोजन इसके ऊपर कोई भी बेस है आपका नेगेटिवली चार्ज्ड। वैन एन हेलो एल्केन हैविंग बीटा हाइड्रोजन एटम। देखो इसमें हेलो एल्केन के पास क्या होना चाहिए बीटा। बीटा कौन से हाइड्रोजन एटम है, जैसे ये आपका एक हैलोजन ग्रुप है ये जिस कार्बन से जुड़ा है ये कार्बन क्या कहलाएगा आपका अल्फा, और इससे अगला कार्बन है बीटा। बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं बीटा हाइड्रोजन एटम। तो वैन एन हेलो एल्केन कंटेनिंग बीटा हाइड्रोजन एटम इज हिटेड विद KOH
or base, then negative part of the base react and an alkene is formed. And plus x negative. So in elimination reactions, what is eliminated? Halogen atom and beta hydrogen atoms are eliminated from the haloalkenes, and an alkene is formed as a result. So what is elimination reaction? When a haloalkene containing beta hydrogen atom is heated with KOH or a base, then base react with beta hydrogen to form base होगा, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके और कोई स्टेबल कंपाउंड बना लेगा और आपका हाइड्रोजन एज ए रिमूव हो जाएगा. दिस इज अबाउट एलिमिनेशन रिएक्शन. नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग रिएक्शन विद मेटल्स. रिएक्शन विद मेटल्स. रिएक्शंस विद मेटल्स का है कि जब आपकी हेलो एल्केन्स किसी मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनाते हैं. तो फर्स्टली जैसे ये आपकी CH3CH2Br है, ब्रोमो इथेन है, ये जब रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करती है तो क्या बनाती है? CH3CH2MgBr. और ये आपका क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसको बोलते हैं? RMgX को हम क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX. R का मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप, जैसे मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल प्रोपाइल या बेंजीन फिनाइल एटसेट्रा कोई भी, और मैग्नीशियम. X का मतलब आपका कोई भी हैलोजन, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ये हो सकता है. तो ये जब जुड़ते हैं तो ये आपका क्या बनता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. तो जब हेलो एल्केन्स रिएक्शन करती है मैग्नीशियम के साथ तब वो क्या बनाती हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ये आपकी हेलो एल्केन्स है, इसने मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके क्या बना लिया? CH3CH2MgBr, RMgX, इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटल्स के अंदर आपकी वुड्स रिएक्शन. क्या है? वुड्स रिएक्शन. वुड्स रिएक्शन क्या कहती है? और ये किसकी प्रेजेंस में होता है? आपका एसीटोन की प्रेजेंस में होता है. वुड्स रिएक्शन में क्या है? ये आपकी जैसे कोई भी हैलोजन है RX, सेकंड इधर हैलोजन है प्लस दो सोडियम एटम प्लस ये इधर भी आपकी हेलो एल्केन है. हेलो एल्केन का मतलब यहाँ भी जैसे ये RX हो गया, कोई भी हेलो एल्केन है, इधर भी कोई भी हेलो एल्केन है. इनकी रिएक्शन जब हम सोडियम के साथ कराते हैं तब ये देखो क्या बनाते हैं प्रोडक्ट? RR सिंपल एल्केन प्लस 2NaX. सपोज इसमें आप ले सकते हो CH3CH2Cl प्लस 2Na रिएक्ट विद CH3CH2Cl, देन इट फॉर्म CH3CH2CH2CH3 प्लस 2NaCl. तो हेयर इन दिस रिएक्शन वुड्स रिएक्शन में टू हेलो एल्केन्स रिएक्ट विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड दे फॉर्म एल्केन. तो रिएक्शन विद मेटल्स में एक तो था आपका मैग्नीशियम के साथ कि जब आपकी कोई भी हेलो एल्केन मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगी? आपकी मैग्नीशियम के साथ जब भी अगर आपकी कोई हेलो एल्केन्स रिएक्शन करती है, ये मैग्नीशियम हो गया आपका, मैग्नीशियम के साथ तब ये क्या बनाती है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. और जब आपकी हेलो एल्केन सोडियम के साथ रिएक्शन करती हैं, जब आपकी हेलो एल्केन सोडियम के साथ रिएक्शन करती हैं तो वो सिंपली क्या बनाती हैं? एल्केन बनाती हैं. तो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स. तो यू डू अबाउट कंप्लीट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
haloalkanes and reactions of haloalkanes. एंड रिएक्शंस ऑफ हैलोएलकेन्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन में SN1 SN2 एंड सेकेंड एलिमिनेशन रिएक्शन और थर्ड रिएक्शन विद मेटल्स. थैंक यू. ओके.